सो हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर वाटी चैनल राशन फोटोग्राफी। सो गाइस, आज के स्नो डे के अंदर मैं आप लोग कुछ इस टाइप का मतलब ग्रीन बैकग्राउंड में आप लोग को मतलब यहां पर सीधी फोटो एडिटिंग यहां पर करना सिखाने वाला हूं। एंड इतना ही नहीं गाइस, मैं इस वाला वीडियो में कोई मतलब बैकग्राउंड वगैरह मतलब चेंज नहीं करूंगा। हमारा जो मतलब ओरिजिनल बैकग्राउंड होता है वही को आज आप लोग को सीवी की तरह बनाना सिखाऊंगा। तो प्लीज यार, इस वाला वीडियो को आज आप लोग लास्ट तक से वॉच कर लीजिएगा, और वीडियो का मतलब एक भी पार्ट पसंद आए तो आप यार इस वाला वीडियो को एक लाइक और जरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन पे कर दीजिएगा। तो फिर विदाउट एनी टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल। ओके सो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोग को मतलब जिस फोटो को एडिटिंग करना होगा आप उस वाले फोटो को सबसे पहले यार लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा, और एक मतलब लाइटरूम प्रीसेट को भी गाइस यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। और जितना भी मतलब इस वाले वीडियो के अंदर प्रीसेट एंड पीएनजी का यूज करूंगा सभी का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेल, अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपल से थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और कॉपी सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके क्रॉप को छोड़ के बाकी सभी को यहाँ पर आप लोग को मार्क करना है। इस टाइप से आप लोग क्रॉप को मार्क नहीं करना है, और इसको राइट क्लिक करके अपने फोटो पर यहाँ पर एक बार क्लिक करना है, और अगेन आप लोग को थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ से इसको आप लोग को पेस्ट सेटिंग कर देना है। तो जैसे ही आप लोग पेस्ट सेटिंग करते हैं तो आपके फोटो के अंदर का जो वन क्लिक के अंदर मतलब ग्रीन कलर कोड यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जो कि बिफोर एंड आप लोग देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो वेल, अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, हल्का सा अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करना है। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, मैं अपने हिसाब से हल्का सा कर लेता हूँ यहाँ पर। और अब आप लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर टू के ऑप्शन पे क्लिक करके इस वाला फोटो को अब आप लोग को पिक्सार्ट के अंदर यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो वेल गाइस, पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को जस्ट ओपन करने के बाद अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपल से इफेक्ट टूल के ऑप्शन पे क्लिक करके आर्टिस्टिक के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना होगा, और फर्स्ट वाले इफेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, और सिंपल एक बार इस पर क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग को आप लोग को मल्टीपल के ऊपर सिलेक्ट करना होगा, और इसके मतलब फेड को आप लोग अपने हिसाब से हल्का सा माइनस स्कोर करके सिंपल से यहाँ पर क्या कीजिएगा, इरेजर ब्रश के ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को जूम करके ओनली फॉर अपने स्किन पर से आप लोग मतलब इस वाला इफेक्ट को रिमूव कर लीजिएगा। ओनली फॉर स्किन पर से मैं आप लोग को दिखलाता हूँ इस टाइप से। सो गाइस, अपने स्क्रीन पर से मतलब इस वाला इफेक्ट को रिमूव करने के बाद अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपली से इसको राइट क्लिक करना होगा इस टाइप से, और अभी आप लोग गाइस यहाँ पर क्या करना होगा, फिर से मतलब इफेक्ट टूल के ऑप्शन पे क्लिक करके इस बार यहाँ पर सिंपल वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, और इसको आप लोग को फुल मतलब राइट साइड की ओर इस तरह से स्क्रॉल करना होगा। तो सबसे लास्ट में आप लोग को मतलब सैचुरेशन नाम से एक टूल देखने को मिलता है, तो आप लोग यहाँ पर इस वाले सैचुरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके इसके मतलब अमाउंट को हल्का सा अपने हिसाब से रख लीजिएगा, और इरेजर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आप लोग बैकग्राउंड के ऊपर सिलेक्ट कर दीजिएगा, और सिंपली यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर लीजिएगा। तो वेल, अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपल से डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर अपने फोटो को मतलब गैलरी के अंदर सेव करना होगा, और अब यहाँ पर क्या करना है, इसको मतलब बैक कर लेना इस तरह से, और अब सिंपली यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करके रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को जूम करके कुछ इस टाइप से अपने बॉडी पर इस वाले ब्रश को ड्रॉ कर देना होगा। सो गाइस, अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, फिर से मतलब इफेक्ट टूल के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और इस बार यहाँ पर इफेक्ट टूल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने मतलब फोटो में हल्का सा अपने बैकग्राउंड में हल्का सा मतलब HDR को देना है फर्स्ट वाले को इफेक्ट को सिलेक्ट करके, और सिंपली इसको राइट क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आप लोग क्या करना होगा, सिंपल से फिर से इफेक्ट टूल के ऑप्शन पे क्लिक करके ब्लर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से क्या करना है, 5 वाले मतलब ब्लर को सिलेक्ट करना है, जो कि मतलब लेंस ब्लर के नाम से है। तो इस वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसके अमाउंट को आप लोग को फुल इंक्रीज कर लेना है इस टाइप से, और इसके लाइटिंग को आप लोग को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना है। और अब सिंपली यहाँ पर इरेजर ब्रश के ऑप्शन पे क्लिक करके इसके हार्डनेस को फुल माइनस स्कोर कर देना है, और साइज को फुल प्लस स्कोर कर देना है, और नीचे की एरिया में हल्का हल्का ब्रश कर देना है इस टाइप से, और सिंपली यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर लेना है। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके जो अभी हम लोग अपने फोटो गैलरी के अंदर सेव किए थे उस वाले फोटो को यहाँ पर ऐड करना है, और इसको हम लोग को कुछ इस टाइप से जूम करके फुल जूम कर देना है इस टाइप से। और अब यहाँ पर क्या करना है, रिमूव डॉट बीजी वाला ऑप्शन पर क्लिक करके रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है, और सिंपली यहाँ पर इसको राइट क्लिक लेना है।
तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने मतलब बैकग्राउंड में हम लोग कुछ PNG वगैरह को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, दोबारा से ऐड फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके हम कुछ PNG वगैरह को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 PNG को ऐड किया, जो कि मतलब यहाँ पर एक टेक्स्ट की PNG है और एक मतलब लाइट की PNG है और एक मतलब यहाँ पर बोके इफेक्ट की PNG है। तो सबसे पहले इस मतलब बोके इफेक्ट की PNG को जूम वगैरह करके हम लोग अपने बैकग्राउंड के पीछे इस टाइप से इसको एडजस्ट करते हैं ताकि देखने में और अच्छा लगे। यहाँ पर इस टाइप से आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा। और गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले मतलब टेक्स्ट की PNG को कुछ इस टाइप से मतलब जूम आउट करके यहाँ पर इसको इस टाइप से एडजस्ट कर लेते हैं। आप लोगों को दिखलाता हूँ। और अब यहाँ से आप लोग क्या करना है, इस वाले लाइट की PNG को यहाँ पर इसके ऊपर रख के सिंपल से ब्लेंड के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको भी स्क्रीन के ऊपर सेलेक्ट करके हल्का सा ओपेसिटी को यहाँ पर डाउन कर देना है इस टाइप से, और सिंपली यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर लेना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हल्का सा मतलब अपने फेस में यहाँ पर लाइटिंग को देने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपल से टूल वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना होगा और एडजस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसके मतलब यहाँ पर सैचुरेशन को हल्का सा माइनस स्कोर कर देना है और ऐसा ब्राइटनेस को यहाँ पर प्लस की ओर कर देना है। और सिंपल से यहाँ पर ईयरबड्स के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको इन्वर्ट करके फोटो को जूम करके अपने स्किन के ऊपर कुछ स्टेप से इसको ब्रश कर देना होगा। और गाइस, अभी यहाँ से क्या करना है, सिंपली इसको राइट क्लिक कर लेना है। तो फाइनली गाइस, हमारा फोटो बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। बस क्या है, अपने फेस को यहाँ पर हाई क्वालिटी के अंदर स्मूथ प्लस वाइट करना। तो आप लोग यहाँ पर इस वाला वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस वाला वीडियो के अंदर बताऊंगा तो वीडियो मतलब काफी यहाँ पर लंबा हो सकता है। तो प्लीज आप लोग यार इस वाला वीडियो को देख लीजिएगा। तो अब फोटो को यहाँ पर गैलरी के अंदर सेव करने के लिए ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को आप लोग गैलरी के अंदर सेव कर लेना होगा।